हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। हाउ आर यू? आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त हूँ। और आप सब लोगों को मेरा प्यार भरा पहला प्रणाम नमस्कार और छोटों को प्यार। तो कल के ब्लॉग में आपने देखा मदर्स डे का था, कल सेलिब्रेशन रखा था और विजिता का हमारा 12th का रिजल्ट भी आ गया था। तो 75% से कहते हैं विजिता ने 12th की अपना बोर्ड परीक्षा भी पास कर लिया है और लोगों ने भी मतलब कमेंट करे और बधाइयां दी है विजिता को। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और बाकी ज्योति सिंह है तो वो तो भीमताल से है, तो उनने तो कमेंट में लिखा था कि भाई ग्राफिक एरा से उन्हें बीटेक कराई है विजिता को, और कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे बताइएगा। तो ज्योति जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आज विजिता का CUET का एग्जाम भी है। आज क्या, वैसे तो 3 दिन है, आज कल और परसों 3 दिन है, तीनों का अलग अलग जगह सेंटर गया हुआ है। तो आज जो उसका है खालसा नेशनल बालिका इंटर कॉलेज हल्द्वानी नैनीताल, तो आज दिन में मैंने उसके साथ वहां को रहना है। तो बाकी कल कज्जू और प्रदीप तो यहीं रुके हुए थे और अभी मेरे ख्याल से सोए हुए हैं और गौरी भी तैयार हो चुकी है स्कूल को जाने के लिए। तो अब मैं भी चलता हूँ फिर और आज के ब्लॉग को भी करते हैं स्टार्ट। जय श्री राम। गौरी का टिफिन वगैरह भी सब तैयारी है। गौरी आना बेटा, मैं चल रहा हूँ, 10 मिनट बचे हैं। तू अंधेरे में क्या कर रही है? फिर लाइट तो जला लेती। हो गया चलो आओ बिना चलो। मम्मी क्या कर रहे हो? प्रणाम। हाँ चल रहा हूँ, चाय भी गिरी गई मेरी। जय श्री राम। पहुंच गया था शॉप में और गौरी भी चली गई है, गाड़ी आ गई थी उसकी तुरंत ही। तो अब भी सारा सामान वान करता हूँ मैं भी एडजस्टिंग। हेलो गुड मॉर्निंग, कहाँ से आ रहे हो? अच्छा क्या था स्कूल में आज? आज स्कूल में क्या था? हाँ ये तो मेरी फोटो आ रही है टीवी में। ओहो तुम्हारी फोटो आ रही है ये। अभी कौन सी क्लास में पढ़ते हो? LKG में। उसके अरे नहीं जाएंगे यार, पहले पूरे ABCD सुन के जाएंगे। लाके टॉपिक लाऊंगा तुम्हें। हाँ थैंक यू कौन कहेगा? ओके वेलकम, बाय बाय बाय। और ये सब ऐसी हो गई, आधे तो तुमने सब यही गिरा दिए हैं। वह हो गया ना, इतना ही है ना एक्सपायरी? इतना टाइम हो गया एक्सपायरी उठाने, अब आ रहे हैं उसमें भी कह रहे हैं ये फट गया, ये हो गया, ये देखे सब उधर नीचे गिरा दिया है और इतने पीस अभी यहाँ पे वापस कर दिए हैं। अब ये दिखाएंगे इनको अभी हम बाद में, फिलहाल इसको अभी रख लेते हैं। और बाकी जो है थोड़ी एक्सपायरी जो है वो चली गई है। क्या हुआ, मिल गया पानी तुम्हें? ये 10 रुपीज वाली ले जा रही थी। ठीक है वो पिया नहीं ब्रांच वाला? नाश्ता भी आ चुका है और अब नाश्ता वगैरह कर लेते हैं। तुम भी भयंकर ही कहते, एक हफ्ता हो गया होगा मेरे ख्याल से ऑर्डर दिए हुए तुम्हें। कोई भेजने का माल, कोई जाने का मनसा नहीं, मनसाता नहीं है, मार्केट वाले जाएगा माल बांटने। अरे यार ऑर्डर भी खुद ले गया ऑफिस वाले। सब प्रकार के आ गई ना। ये क्या डाल दिया अभी? क्या है? बेरी, आम पापड़। आम पापड़, अच्छा चलो ठीक है, आम पापड़ भी टेस्ट करते तुम्हारा। हाँ किंग क्या हुआ भैया, और कुछ? बस और मम्मी भी आ चुकी हैं यहाँ पर, क्योंकि अभी बिजी का है पेपर, वो मैं आपको पहले ही बता रहा था। तो मैं चल रही जल्दी, वो देर नहीं होनी ना। कोई ठीक है तू? हाँ मैं हूँ, अब मैं छोड़ के आ जाऊंगा उसको। हाँ चलो है? चलो चलो वहाँ तो बंदी जाएगी। वो दादी का तस्वीर दे। हेलो गुड मॉर्निंग, उठ गए? तो पहुंच गए थे खालसा नेशनल बालिका इंटर कॉलेज नैनीताल, यही है बिज्जू का एग्जाम। बेस्ट ऑफ लक। पानी नहीं जा रही? बच्चा
तो बिजू तो चले गई है एग्जाम देने के लिए अंदर, और बाकी और बच्चों के भी गार्जियंस वगैरह सब बाहर से आए हुए हैं। लोग अभी यहाँ पर इंतजार ही कर रहे हैं अपने बच्चों के एग्जाम पूरा होने का। तो टाइम भी हो चुका है, 11 बज चुके हैं और अब इनका बिजू का फर्स्ट एग्जाम जो है कंप्लीट हो चुका है। तो बस सब सब लोग वहाँ पर वेट कर रहे हैं, अपना सब गार्जियंस वगैरह वेट कर रहे हैं अपने अपने बच्चों का। तो हम भी वेट करते हैं और बिजू को बाहर आने का। बहुत देर हो गई, कैसा रहा? सही रहा। अब खाना भूख लग गई। पानी कितना? वो तू वहाँ कहते रहे थे पानी के मिला करके, तुम वहाँ पे मांग ले। चलो नेक्स्ट उसमें ले आना पानी। हाँ मैं यही खड़ा था तेल का जूस। यही से बिच्चू को पिलाते हैं गन्ने का जूस। बिच्चू कह रही है पानी भी नहीं पिया मैंने वहाँ। भाई दो बना दे यार। तो फिर गन्ने का जूस पीने का घर पहुंच गए थे। अभी कहता अभी फर्स्ट एग्जाम को दिया है, नेक्स्ट जो है अभी इसका 2:30 बजे से 3:30, फिर 4 से 5 दो अभी इसके और है एग्जाम। वही खालसा स्कूल में गुरु तेग बहादुर। यस हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी। क्या हाल है और कैसे रही दीदी? आई थी शाम को सर। तेरा तुमने तो पैकिंग जैसी भी क्या कर दी है? तुमने पैकिंग जैसी क्या कर दी का? क्यों यही नहीं रुक रहे हो क्या? घूम रहे हर जगह पैकिंग करी हमारा सामान है। अच्छा जहाँ भी जा रहे हैं लेके चले जा रहे हैं पूरा बैग। आज कहाँ गए? आज कहीं नहीं, अब घर जाते हैं, या तो रामनगर या तो घर। अच्छा तो भाई कद्दू और कहते हैं प्रदीप भाई आए उनने का भी यहाँ कहते छुट्टी आए 6 महीने की तो उनने का भी उत्तराखंड घूम लो। तो अपना बैग वगैरह सब कम्प्लीट लेके चले गए लगेज लेके उनने का भैया जहाँ भी निकल जाओ। तो अभी भी इनका कोई पक्का मूड नहीं है घर जाने का, अभी कह रहे हैं रात भी जा सकते हैं। ठीक है ओके दा। और तो कहाँ का बनाया वो? कहाँ का अभी देखते हैं, अभी तो कुछ नहीं हो पा रहा है, थोड़ा मार्केट जाते हैं काम करते हैं, उसके बाद जाएंगे थोड़ा आराम। तो मार्केट आकर तो स्कूटी से निकल लेते? नहीं दीदी आ रही है। अच्छा हाँ थोड़ा सामान लेना है वहाँ पे। अभी चलो यार मामा लग लो चलो। लखनऊ के हाथ से इस बार बड़ा मलावा लगाया मैंने कहा इस बार अब इस बार देखते हैं। ठीक है बाय। तो कज्जू और प्रदीप भी अपने आगे के सफर के लिए चले गए हैं और यहाँ भी टाइम भी हो गया है। बिजू का जो नेक्स्ट पेपर होना था वो अभी 2:30 बजे से है, तो यहाँ पर टाइम हो चुका है। बाकी सब जा रहे हैं, मैं और पूजा बिजू को सेंटर तक छोड़ने के लिए है ना। निरारी ऐसा मत करना यार। तो तेरे को आ जा रहा भी सही से समझ में, मतलब कि कैसे करना है क्या करना है करके है? हाँ। मतलब उसमें क्या खाली टिक वो है क्या? वो है हमारा सीट वाला है। अच्छा मतलब मैं सोचा कंप्यूटर वो होगा दिल्ली में, तो कंप्यूटर में से ही हो रहा है, यहाँ हल्द्वानी में MR से हो रहा है। अच्छा क्वेश्चन पेपर भी दे दिया हमने, मुझे पता नहीं था क्वेश्चन पेपर गलत दे देते हैं। चलो सही से दिमाग लगा के थोड़ा सा करना, जो जो सब आएगा। अभी कहा गया है इंग्लिश और जीके। इंग्लिश और जीके जो नहीं आएगा उसे छोड़ दूंगी, नेगेटिव मार्किंग भी तो है। उसमें भी हो जाता है ना -1। बाबा जल्दी दो मिनट भी नहीं बचे हैं। बात इतनी भी नहीं होती है बेटा, एक हाथ कहते हैं वो नहीं करते है क्या? नहीं करते शायद ये। वो देख रही कहते कह रहे गाड़ी उड़ा के ले जाओ क्या? यार तेरे को गेट के ऊपर से फैला दू वो करवा दूंगा। ठीक है ऐसे चले जाएगी। बाय बेटा बेस्ट ऑफ लक।
तो यहीं से आते आते हमने कहते गौरी की डिमांड आ गई है, गौरी पहुंच चुकी है घर, कह रही है तब हम मिलने तो भैया डोसा ले आना। हमने कहा चलो ठीक है, तो किसी को भी छोड़ दिया था उसके स्कूल नहीं मतलब उसके सेंटर से, और बाकी गौरी के लिए भी डोसा ले लिया है। अब चलते हैं हम घर के लिए सीधे। कैसा है बाबू तुम, तुमको भूख लग गई? अभी रुक जाओ, अभी लेके आ रहा हूँ फिर। हो पूजा, चलो 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 चलो। मिट्टू तुम क्या कर रहे हो, तुमने खाना खाया और सब भीग के कैसे हो गए हो? फिर लड़ाई, फिर लड़ाई, क्या हो गया तुमको यार, कितना लड़ाई करते हो? हाय और बिजू का लैपटॉप तूने क्या लिया? डोरेमोन। अरे सिंचन है। चल फिर तल्ले वो ले आया, खाओ फिर। हाँ यार भूख लग रही मेरे को। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आप सीधे शाम को, कहते बिजू को लेने। कितने बजे? 6 बजे। जिम कौन छोड़ेगा? जिम तुम, मम्मी छोड़ेगी, और आते समय तुम उनके साथ आओ। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। डिवाइडेड बाय क्यू मतलब पी क्यू का क्यू की बहन है, पी प्लस क्यू मतलब जो पी है वो क्यू का बेटा है, जी का सन इन लॉ कैसे होगा, और ये फिर रेशियोज दे रखे थे। पहले तो मैंने इसमें दिमाग दौड़ाया दिमाग दौड़ाया, उसके बाद मुझे नहीं आया, फिर मैंने छोड़ दिया। छोड़ दिया, नेगेटिव मार्किंग हो जाती। ये वाला बहुत सिंपल था, इसमें देखो आर यू पी आई, इसका मतलब होता है नोबडी लाइक क्रूअल। ठीक है, ये था शाम भी हो चुकी थी और बिजू भी आ गई है, पूजा गई थी बिजू को लेने के लिए और पेपर भी सही हुआ है इसके बाद। अब कल को नेक्स्ट इनका जो कहते सेंटर गया है वो है नीचे, कौन से स्कूल है बेटा? यूनिवर्सल कॉन्वेंट स्कूल, आईटीओ ऑफिस से नीचे। तो कल उसके फिर दो पेपर और है, तो और एक फिर परसों को है। परसों वाला कहाँ है? परसों वाला सिंधिया पे है। तो चलिए फिर, मैं भी अभी चलता हूँ शॉप में, चलो शॉप में। ओहो मम्मी हाँ भाई, क्या क्या निकाल लिया है? है क्या क्या भर दिया बैग में? दो कोन और वो एक बूंदी का पैकेट। अच्छा कितने हो गए फिर? जोड़ भी दिए होंगे? हाँ जोड़ भी लिए। कितने हो गए? 30 दस साल ही है वो। हाँ दादा तो क्या भाई, कितना आइसक्रीम कितने निकाल लिया? अब तो पहले चावल तोड़ूंगा, फिर उसके बाद तो थोड़ा गर्मी जाएंगी, और गर्मी देख रहा कितनी हो रही है यार, जोरदार ही है यार। तुम्हें क्या चुका है? दही कितने वाला था? 40 वाला कितने का है? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? कितने का है? ये दे दो फिर पाउच याले। हाँ ये है, अभी दो दे दूँ। ये है तुम्हारा 22 44। क्या है? अंडे और ये, अंडे और ये हो गया। तू तो खा रही है, तू ये यहाँ भी लगा के ले जा रही घर में, की बाद में खाऊंगी है? जैसे चिड़िया करती है, उन्होंने कहा खाना भी खा लिया, सेविंग करके लेके ले गए, उन्होंने कहा बाद में खाऊंगी आराम से। और हो रहा है, खा पी खा आराम से खाना है। हेलो कर दो, हेलो तो बाद में करेगी, क्या देगा नमक। तो फ्रेंड शॉप भी कर दी थी क्लोज, और आज तो शॉप का भी इतना काम हो रहा था, इतना सामान आया हुआ था, सब अभी तक एडजस्ट ही करने में था, और टाइम भी ओवर हो चुका है, 11 बज गए हैं और लाइट भी चली गई यहाँ। तो अभी चलते हैं हम भी घर को। हेलो ब्रो, क्या हाल है? तो घर वाले तो लगता है सब सो ही गए होंगे, तो आज के ब्लॉग को भी कर देते हैं फिर यहाँ पे समाप्त। गुड नाइट, शुभ रात्रि, नमस्कार, कल मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में। बाय बाय, जय श्री राम।